सर क्लियर विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना। जब ऑक्सीडेशन यानी जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ठीक वैसे ही जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन को, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होता है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए एक एक्टिविटी है 1.11, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश में आप 1 ग्राम कॉपर का पाउडर रखिए लीजिए और इसे हीट करिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखिएगा कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, ठीक है। और ये है चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, हम लोग ने लिया था 1 ग्राम। और ये वायर गॉज है, जब आप केमिकल लैबोरेटरी वगैरह में जाइएगा एक्सपेरिमेंट करिएगा तो ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है जिसके सहारे हम लोग हीट करते हैं। और ये बर्नर है जिससे हीट करते हैं और ट्राइपॉड स्टैंड है जिसमें हम लोग रखते हैं। और वायर गॉज होता है डायरेक्ट हीट ना हो इसके लिए, वायर गॉज को यूज़ किया जाता है सब्सटेंस को रखने के लिए। डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे इसलिए वायर गॉज को यूज़ किया जाता है। तो इसमें लिखा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड, व्हाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे बना, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। मतलब अभी तो ये कॉपर का सिर्फ पाउडर था लेकिन जब इसको मैंने हीट किया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे एयर इसके साथ ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो ये जो है ये क्या बना दिया, ये बना दिया कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये बनाया CuO कॉपर ऑक्साइड। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। मतलब अगर अब इसके साथ ये कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन गैस को पास करवा दिया जाए तो क्या होगा, ये ब्लैक कोटिंग हट जाएगा और ये वापस से ब्राउन कलर में आ जाएगा। क्योंकि जब मैं इसके साथ हाइड्रोजन को पास करवाऊंगी तो क्या होगा, अभी ये क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन अभी ये बस कॉपर था अब, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बस इंडिविजुअल कॉपर था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गया। मतलब ये यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। अब क्योंकि मैं जब हाइड्रोजन के साथ इसे पास करवाऊंगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा और वापस कॉपर अपने इनिशियल कलर में आ जाएगा। तो देखिए उसका भी यहाँ पे दिखा रखा है रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो वापस से कॉपर मिल जाएगा और वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा तो कॉपर वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था और इस वाले रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा है इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इफ़ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। मतलब एक सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा था, ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है तो इसे कहते हैं रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बींग रिड्यूस्ड। मतलब 1.29 में आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं रिड्यूस रिएक्शन। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ ठीक दूसरी साइमल्टेनियसली ठीक दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है तो वैसे रिएक्शन को
क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब जैसे ये है एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था इन प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो ये सिंगल कॉपर है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे हाइड्रोजन सिंपली बस H2 था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो वैसा सेट ऑफ रिएक्शन जिसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है, वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फिर कुछ और भी एग्जांपल्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे ZnO के साथ जब कार्बन को अटैच करते हैं, तो देखिए अभी ZnO था लेकिन अब प्रोडक्ट में बस Zn है, ऑक्सीजन जो है वो लूज कर रहा है, यानी ZnO से Zn तक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वैसे ही अभी बस कार्बन था लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से दूसरा रिएक्शन देखें, MnO के साथ जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डाला जाता है, तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो देखिए Mn के साथ अभी O है लेकिन प्रोडक्ट में देखिए Cl है, यानी ऑक्सीजन इसने लूज कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। लेकिन HCl है अभी, तो यहाँ पे देखिए H के साथ, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वैसा सेट ऑफ रिएक्शन जहाँ पे एक तरफ रिडक्शन हो रहा है दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, जिसमें कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे।